नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्रमवीर। आज हम जानेंगे तिल के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मोल कहते हैं और मेडिकल भाषा में जिसे मेलानोसाइटिक नेवी कहते हैं। दोस्तों, सामान्यतः सभी के शरीर में किसी ना किसी हिस्से पर जरूर तिल होते हैं, चाहे हाथ पे हो, चाहे पैर पे हो, चाहे छाती पे हो, चाहे चेहरे पे हो, चाहे नोज पे हो, चाहे आपके माथे पर हो, स्किन पर कहीं ना कहीं तिल जरूर होते हैं। और दोस्तों, सामान्यतः 15 से लेकर 40 तिल तक सभी को होते हैं। अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर चेहरे पर, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा है तो वो किसी बीमारी का रूप भी हो सकते हैं। सामान्यतः तिल कोई बीमारी नहीं है, और हमारे मुखड़े पर अगर एक या दो तिल है हमारे फेस पर, तो हमारी जो सौंदर्यता है उसमें चार चांद लग जाते हैं और खूबसूरती हमारी और बढ़ जाती है। और अगर ज़्यादा तिल है हमारे चेहरे पर, तो फिर वो चेहरा ज़्यादा भद्दा भी लगने लग जाता है। और आजकल कुछ लोगों को बड़ी एज में भी तिल ज़्यादा होने लगे हैं। वैसे तिल जो होते हैं शरीर में, वो टीन एज तक होते हैं, मतलब 20 साल तक लगभग तिल होते हैं, और जो तिल बचपन में थे आपके, वो लगभग जवानी बुढ़ापे तक रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तिल मुख्यतः काले होते हैं, ब्लैक डार्क होते हैं, और वैसे हमारी त्वचा है वो ब्लैक भी होती है, सांवलापन भी होता है, बाकी भूरी गहवा फेयर भी होती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे व्हाट इज मोल, मतलब तिल है क्या, ये कैसे बनते हैं हमारे शरीर में। तो अब इसकी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और कैसे, अगर ज़्यादा तिल है हमारे फेस पर भी, तो कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको लगाने के लिए औषधि और खाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि, वो आपको बताई जाएगी आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे तिल कैसे बनते हैं। तो उससे पहले हम क्योंकि हमारे जो तिल हैं वो त्वचा पर ही बनते हैं, त्वचा के बाह्य हिस्से पर डार्क काले से हो जाते हैं, और वो बनते कैसे हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हमारी त्वचा है, इसकी कई परतें हैं। तो एक परत है, और उसकी जो मेलानोसाइट सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो एक मेलानिन जो पदार्थ है उसको रिलीज करती हैं। जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो मेलानिन पदार्थ रिलीज करती हैं, और ये मेलानिन ही हमारे शरीर के जो वर्ण है, मीन जो हमारे शरीर का कलर है, या जो हमारे शरीर का रंग रूप है, उसको डिसाइड करता है। ये मेलानिन ही वो पदार्थ है जिसकी वजह से त्वचा का रंग डिसाइड होता है, कि आप काले रहेंगे, गोरे रहेंगे, जो या फिर आपका कलर रहेगा गेहूं, आपका कलर रहेगा जो भी कलर है, वो इसी की वजह से डिसाइड होता है। और अगर मेलानिन मीडियम बनता है तो आपका कलर गेहूं रहता है, और जिससे शरीर पर मोल या तिल बनते हैं, पहले मेलानिन ही डिसाइड करता है कलर को भी। और ऐसा क्या करता मेलानिन जिसे शरीर पर मोल या तिल बनने लगते हैं, ऐसा क्या रोल प्ले करता है? तो अपने मतलब हमारे शरीर में, विशेषकर किसी भी स्थान पर मेलानिन अगर ज़्यादा बन जाए, या मेलानोसाइट सेल्स की ज़्यादा इकट्ठी हो जाए कहीं, या एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाए, या एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना ले कहीं, तो उस वजह से तिल उत्पन्न होता है। देखा हुआ आपने, शरीर पर कहीं भी तिल गाढ़े रंग का ब्लैक ही होता है, कहीं भी आपके स्किन के कलर का तिल नहीं होता है, क्योंकि वहां अमाउंट ऑफ यानी संख्या में मेलानोसाइट सेल्स का ज्यादा होना होता है, जिससे वो एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो तिल का रूप ले लेती है। दोस्तों, वैसे तिल मैंने बताया आपको अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, और वो टीन एज होती है जो 20 साल तक, तब तक ही बनते हैं। ऐसा देखा होगा कि जो तिल बचपन में निकले थे वो जीवन भर साथ रहते हैं, और 20 साल के बाद तिल वैसे कम बनते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी लोगों को बन रहे हैं, और जिससे
उनकी पर्सनैलिटी पे या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल बन रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको, एक मेलानोसाइट्स जो सेल्स हैं और वो मेलानिन जो पदार्थ रिलीज करती हैं, तो वो कई बार ज़्यादा रिलीज हो जाता है। वो किसी भी तरह आप लगा सकते हैं, आपकी बॉडी का नेचर है या आपके धूल कण है या डस्ट है या पोल्यूशन है या सन रेज ज़्यादा है, उस वजह से वो ज़्यादा इकट्ठी होती हैं और उस वजह से वो इकट्ठी होने के बाद एक रूप ले लेती हैं, एक आकार ले लेती हैं और उसके बाद हमारे शरीर पे वो तिल बन जाते हैं। किसी के छोटे छोटे तिल होते हैं, किसी के बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, कुछ तिल के ऊपर बाल भी उगाते हैं। तो आप चिंता ना करें, उन सबका इलाज आपको आज बता दिया जाएगा बहुत अच्छे से। और बहुत लोगों पर प्रयोग करने के बाद जो औषधियाँ आपको बताई जाएंगी वो आप खुद ब खुद बताएंगे कि सच में ही उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इनके मुख्य कारण क्या है कि क्यों होते हैं, तो मैंने आपको मोस्टली बता दिया कि सनलाइट एक बड़ा रीजन है। धूप में ज़्यादा रहने से ये मेलानिन ज़्यादा निकलता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहता था त्वचा को मेलानिन, और इस वजह से बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है और ज़्यादा निकलने के लिए जो सेल्स हैं ये ज़्यादा एक घेरा बना लेती है तो हमारी त्वचा की सुरक्षा के लिए, और उसी घेरे के चक्कर में ये एक आकार बना लेती हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाती हैं और जिससे वो डार्क रूप ले लेता है और वो फिर वहाँ परमानेंट बन जाता है। देखिए, दूसरा रीजन इसे मनाया जब महिलाओं को ये समस्याएं ज़्यादा है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं बॉडी में और उन हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी ये तिल हो सकते हैं आपके शरीर में कहीं भी। और तीसरा, मैं आपको बता दूं कि ये बचपन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बचपन में त्वचा हमारी बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो प्रोटेक्शन के लिए वो एक लेयर रूप में उभरते हैं कहीं कहीं, तो ये भी एक रीजन होता है। और ये थे इसके मुख्य कारण। बाकी मैंने दूसरे कारण भी आपको बताए कि आजकल जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो भी एक रीजन हो सकता है, हमारा आहार व्यवहार है वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन मुख्यतः दो तीन रीजन है। अब दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि इसकी मेडिसिन क्या है। दोस्तों, इसकी मेडिसिन एलोपैथी में कोई ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद में है लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी कुछ सामने आए हैं। तो जैसे पहले कुछ लोग बताते थे कि आपने डिटोल लिया, उससे साफ़ किया और उसके बाद वो चूना होता है उसका पेस्ट आप बना के यहाँ लगा लिया, तो 5 से 7 दिन आप लगाते हैं तो वो तिल वहाँ से हटना शुरू हो जाता है या मस्सा होता है वो भी हट जाता है। लेकिन ये कुछ को एलर्जी कर देता है, कुछ को कोई प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप लगा सकते हैं ये चीज़ भी, चूना लगा सकते हैं, लेकिन स्किन ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा नाजुक है, तो चूना वहाँ पर फिर कोई एलर्जी वगैरह कर सकता है। तो मैंने ये बताया है, जर्नली इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं, देखिए आप YouTube पर देखकर देखा देखी ना करें, क्योंकि YouTube पर बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं जिनमें बहुत ही देसी नुस्खे बताए जा रहे हैं और जिनके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़े हैं। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि हमने वो नुस्खा पढ़ा था लहसुन लगाने का, हमने ये चूना लगाने का और कई तरह के नुस्खे हमने यूज किए जिससे त्वचा पर परमानेंट दाग बन गया है, तो और भी कई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एलर्जी हो गई है। तो ऐसा ना करें, YouTube पर देखा देखी ना करें, ऑथेंटिक ही मेडिसिन यूज करें आप, जो प्रमाणिक हो और जो बहुत लोगों ने जिनका एक्सपेरिमेंट किया हो, जिनका प्रयोग किया और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हो। हालांकि सबकी अलग अलग बॉडी है और बॉडी के अलग अलग रिस्पॉन्ड होते हैं, तो फिर भी मैक्सिमम पीपल्स पर ही अप्लाई होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उनके अच्छे रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। और वो दवाइयाँ होम्योपैथी की हैं, तिल के लिए सबसे अच्छी हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फेस की त्वचा मैंने बताया बहुत नाजुक होती है, तो यहाँ पर रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन खाने की और लगाने की, जिनके रिजल्ट रियली में बहुत अच्छे आए, काफ़ी फीमेल्स ने भी रिप्लाई किया है, काफ़ी माताओं और बहनों ने भी उसका रिजल्ट बताया है कि हाँ रियली में ये बहुत अच्छी कारगर है।
और दूसरे बहुत लोगों ने इसका इसके बारे में बताया है, काफ़ी डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया उन्होंने इसके बारे में मेरे को बताया है, तो वही अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी उठा लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं इन दवाइयों के बारे में, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसके बारे में मैं लिख दूंगा, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। लगाने की दवाइयां मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, तीन दवाइयां हैं लगाने की होम्योपैथी में। और वैसे मैं आपको बता दूं जो तीन दवाइयां हैं, सबसे पहली है बेलिस्पा, ये मदर टिंचर की लेनी है आपको, बेलिस्पा मदर टिंचर की लेनी है। और वैसे ये जो बेलिस्पा है ये आपके तिल के अलावा त्वचा को फेयर भी करती है, और इसके अलावा चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, और साथ में उनके लिए बहुत अच्छी है जिनके कहीं पिंपल्स वगैरह हों, एकेन हों, उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमें फिलहाल, हम आपको, मैं आपको बता रहा हूँ तिल के बारे में, तो बेलिस लीजिए आप एक, तो दूसरी बर्बरिस एक्वाफोलियम है, बर्बरिस एक्वाफोलियम है, और तीसरी थूजा है, थूजा। तो ये तीन दवाइयां आपको लेनी है। तो बेलिस की क्वांटिटी है वो 40% लेनी है, बर्बरिस की क्वांटिटी 40% लेनी है, थूजा की क्वांटिटी 20% लेनी है। तीनों को मिलाना है 40% 40% और इसको आधा 20%। अगर आपको ज़्यादा ही स्किन पर या कहीं भी आपको ज़्यादा ही मोल है, तिल हैं, तो आप तीनों की मात्रा बराबर भी ले सकते हैं, मतलब जो थूजा है वो 40% भी ले सकते हैं। तो तीनों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और मिक्स करके अलग एक शीशी में डाल लेना है। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ तिल होते हैं वहाँ आप लगा लीजिए। अगर और भी त्वचा में कोई प्रॉब्लम है, फेस पर, गले पर या कहीं भी, तो वहाँ पर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया दाग धब्बे हैं या आपके चेहरे पर कोई फुंसियाँ हैं, पिंपल्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छी है। और सांवलापन के लिए भी बहुत अच्छी है, जिनका फेस डार्क है उनके लिए बहुत अच्छी है, तीनों ही आप लगा सकते हैं। और दूसरी मैं आपको बता दूँ, ये तो थी लगाने की, या मैं बताता हूँ आपको खाने की। तो खाने की भी तीन हैं, एक है एससी फ्लोरिकम जो जिसकी पोटेंशियली 200 CH है, एसिड फ्लोरिशम 200 CH पोटेंशियलिटी है। ये कैसे लेनी है, हफ्ते में केवल एक बार, दो ड्रॉप्स आपको जीप पे डालना है, हफ्ते में एक बार लेनी है एसिड फ्लोरिकम मदर 200 CH की है, पोटेंशियलिटी है ये इसकी, हफ्ते में एक बार लेनी है, सिर्फ दो बूंद लेनी है, जीप पर डालनी है। दूसरी है साइकोपोडियम, इसकी पोटेंशियलिटी 30 CH है, साइकोपोडियम जिसकी पोटेंशियलिटी 30 CH है, ये दिन में तीन बार लेनी है, सुबह, दोपहर और सायं, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, दो ड्रॉप सुबह, दो दोपहर और दो सायं। ये दूसरी। तीसरी पीने की दवाई थूजा, थूजा की मैंने आपको टैबलेट ही बताई, सॉरी लगाने की क्रीम भी बताई है, और थूजा लिक्विड में भी है, थूजा 200 जिसकी पोटेंशियलिटी है 200 CH है, दिन में एक बार मॉर्निंग में लेना है, और वो भी सिर्फ दो ड्रॉप, दिन में थूजा को दिन में एक बार लेना है, मॉर्निंग में लेना है सिर्फ, और ओनली टू ड्रॉप्स, दो बूंद। तो ये थी कुछ दवाइयां, कुछ औषधियां होम्योपैथी की जो लगाने की हैं और खाने की हैं। तो दोस्तों 3 महीने तक आपको यूज करना है इनका, लगातार 3 महीने तक, और उसके बाद आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं। 3 महीने में आपके जो एक्स्ट्रा मोल हैं वो आपके हट जाएंगे, और इन फ्यूचर भी वो मोल त्वचा पर होने की संभावना कम रहेगी।
तो आप बहुत ही सस्ती ये मेडिसिन है, महंगी नहीं है, जितना डॉक्टर चेक करने के पैसे लेता है उतनी की तो ये दवाइयाँ आ जाएंगी। तो आप यूज कीजिए, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने इनका रिजल्ट बताया है इसलिए मैं आप तक ये बात शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे कि तिल के लिए सर कुछ ऐसी औषधियाँ बताइए क्या हम लगाएं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स या कैप्सूल्स देते हैं। तो मैंने फिर इस पर काफ़ी लोगों से बात की, कभी डॉक्टर से बात की, तो जिनके ज़्यादा तिल थे, मोल थे चेहरे पर, बॉडी पर, तो उन्होंने उनके मोल वास्तव में ठीक हो गए, उन्होंने मेरे को प्रूफ भी दिखाए। तो मैं जानकारी आप तक शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको भी इसका पूरा लाभ मिलता है तो ज़रूर आप दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।